गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरा नाम राशिद अली है। मेरे स्मार्ट टेक आर चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो के साथ आया हूँ वो भारत बेंच के जो क्रूज स्विचेस होते हैं उनके बारे में बताऊँगा कि वो क्रूज स्विच किस तरीके से वो काम करते हैं। एक्चुअली मेरा जो लास्ट वीडियो था वो मैंने बनाया था, तो उसके अंदर कुछ क्रूज स्विचेस के बारे में जो क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई थी, जो लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं आज उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस तरीके से काम करता है, किस कंडीशनों पे वो काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि जो भारत बेंच का जो BS4 मॉडल है उसका बेसिक तो आप समझ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये इसमें फ्यूल मीटर है, ये जो ब्लू कलर का है वो एड ब्लू है, जो यूरिया गाड़ी के अंदर, ये स्पीडोमीटर है, ये RPM मीटर है, ये प्रेशर गेज, दोनों टैंकों का एक ही प्रेशर गेज इसके अंदर यूज़ किया गया है। और अगर बात करते हैं सामने जो माइलेज की है, 7.4 माइलेज इसमें खाली गाड़ी का है ये। तो अभी हम जो कुछ सिर्फ आज जो हम बात करेंगे वो क्रूज स्विचेस के बारे में बात करेंगे, क्रूज स्विचेस कैसे काम करते हैं। तो क्रूज स्विचेस सबसे पहले देखने में कैसे होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखने में इस तरीके के होते हैं, ये लीम मोड हो गया, ये स्पीड हो गया। जब हमारी गाड़ी रोड पे चलेगी तो चलते समय यहाँ पर कुछ स्पीड लिख के आएगी डिजिटल सिग्नल के साथ में, वो स्पीड 43, 68, 55 इस तरीके से लिख के आएगी। तो वो इंडिकेट ये करता है कि आप उस इतनी स्पीड में आप क्रूज़ लगा सकते हो। तो जैसे पहले ड्राइवर ने सेट कर रखा होगा तो वो उसी हिसाब से वहाँ पे लिख के आता है। अभी हम आपको बता रहे हैं, जब हम गाड़ी चल रही है चलते समय हम क्रूज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, मैक्सिमम 55 की स्पीड पे करना चाहिए। जब आप 55 की स्पीड में आप चल रहे हैं तो उसको दो बार इस तरीके से कर दीजिए और ये लॉक हो जाएगी। अगर ये लॉक हो जाएगी, लॉक होने के बाद क्या होता है, गाड़ी 55 की स्पीड में ही चलती रहेगी। उसके बाद आप उससे जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, 85 तक इससे बढ़ सकती है आपकी स्पीड, इस स्विच से 85 तक बढ़ सकती है, प्लस की इससे घटा सकते हो आप। ये तो क्रूज स्विच के बारे में बताया मैंने आपको। अभी मैं थोड़ा सा और बताया था, जैसे आपने ब्रेक का पेडल अप्लाई किया, आपने ब्रेक पेडल जैसे प्रेस किया, प्रेस करने पे ठीक कुछ सेकंड में अगर आपने दबा के छोड़ दिया तो क्रूज स्विच नहीं है, डिस्कनेक्ट होगा। जैसे आपने कंटिन्यूसली उसको दबा के रखा कुछ सेकंड के लिए तो वो ऑटोमेटिकली क्रूज स्विच अनएक्टिव हो जाएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, जो कि इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक स्विच है। ये स्विच क्या काम करता है कि जब गाड़ी हम गाड़ी को क्रूज स्विच हमने एक्टिव एक्टिव कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, और हम गाड़ी को चला रहे हैं। देखिए 100 मीटर पे अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है और आप उसको रोकना चाहते हैं अपनी गाड़ी को, तो आप इसको अप्लाई कर दें। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे एक इंडिकेशन शो करेगा, और इंडिकेशन शो करने से क्या होगा, गाड़ी स्लो होना शुरू हो जाएगी। फिर आप क्या है कि जैसे गाड़ी के आप करीब में जाएंगे, उन गाड़ियों को जो गाड़ी आपके सामने से उनके करीब में जाओगे, आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप इस स्विच को ऑफ कर दोगे, ऑफ करने से यहाँ पे जो इंडिकेशन था वो बंद हो जाएगा। बंद होने से क्या होगा कि फिर गाड़ी वैसी धीरे 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 स्पीड पकड़ना शुरू कर देगी। उसी की आप क्लच दाबोगे, गियर चेंज करोगे, तो जैसे जैसे गियर चेंज करोगे, क्लच दाबोगे, गियर चेंज करोगे, उसी उसी हिसाब से धीरे धीरे स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जो हम बात करेंगे वो लीम मोड की, इसका क्या काम होता है। जैसे 55 है, 55 का एक इंडिकेशन यहाँ पे डिस्प्ले में जो क्रूज स्विच आपने एक्टिवेट कर रखा है वो 55 पे कर रखा है, ठीक है। जो लीम मोड कर रखा है आपने वो 33 पे स्विफ्ट सेट कर रखा है लीम मोड। ये लीम मोड क्या होता है कि आप 50 पे आपने आपने जैसे लीम का बटन दबाया, मैं अभी आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया दे सकता हूँ। जैसे क्रूज का ये हो गया इंडिकेशन, ये लीम मोड का आ गया इंडिकेशन, और ये क्रूज का आ गया। अभी क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने लिम मोड का बटन ऑन किया तो गाड़ी का आप अगर 55 की स्पीड लॉक हुई हुई थी लिम मोड में, जो स्पीड सेट हुई हुई होगी, मान लो 55 की स्पीड आपने सेट कर रखी है, आप एक्सलेटर पेडल पूरा भी दबा दोगे तो गाड़ी 55 ही की स्पीड में चलेगी। अगर आप लिम मोड को हटाना चाहते हो तो आप इस बटन को आप दबा दीजिए, ली मोड ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
और आप चाहते हो कि जो क्रूज क्रूज सिस्टम को भी हटाना, जैसे क्रूज गाड़ी लगा हुआ है, क्रूज चल रहा, मतलब क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हुआ हुआ है और आपको क्विकली एकदम हटाना है, तो आप इसको नीचे की ओर एकदम क्लिक करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये क्रूज डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा जो थे क्रूज स्विच के ऊपर एक छोटी सी एक मैंने वीडियो बनाई है ताकि ड्राइवर लोग इसको समझ सकें। तो प्लीज़ मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कुछ अगर नहीं, सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।